तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर एक बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए। वैसे तो कोई भी ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग सेटिंग को सेट करके, बट गाइस आप अगर एक गेमर हो तो फिर गाइस ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। देखो गाइस वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल है, लेकिन गाइस वो वाले स्क्रीन रिकॉर्डर में आप लोगों को इंटरनल ऑडियो के साथ में माइक्रोफोन का ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड गाइस साथ में आप लोग उसमें हाईली 1080p पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन गाइस ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर में बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इसमें आप इंटरनल ऑडियो के साथ साथ माइक्रोफोन का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड गाइस इसमें आप 4K हाईली रेजोल्यूशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। देखो गाइस मोस्टली एक गेमर को एक स्क्रीन रिकॉर्डर से क्या चाहिए होता है, हाईली 60fps में रिकॉर्डिंग हो जाए, लैग ना देखने को मिले, स्टोरेज की टेंशन ना हो। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में स्टोरेज कम होता है तो उस टाइम पे भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाए। एंड गाइस इसी के साथ इंटरनल ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाए, प्लस साथ में माइक्रोफोन का ऑडियो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद गाइस आप लोगों को इस वाला स्क्रीन रिकॉर्डर में अपने पूरा गेम प्ले का रिकॉर्डिंग करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गाइस अगर आप चाहो आप सिर्फ अपने बेस्ट गेम प्ले मोमेंट को ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब गाइस आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने गेम प्ले का लास्ट 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड का भी क्लिप आप निकाल पाओगे। एंड गाइस इसीलिए आप अगर 2-3 घंटे तक गेम को खेलते हो तब भी गाइस आप लोगों को इतना लंबा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो गाइस यहाँ पर भी आप अपने मोबाइल के स्टोरेज को बचा सकते हो। एंड गाइस ये तो कुछ नहीं है, इस वाला स्क्रीन रिकॉर्डर में एक ऐसा फीचर्स दिया गया है जिसको स्पेशली आपके मोबाइल के स्टोरेज को बचाने के लिए बनाया गया है। इस वाला ऐप में बहुत सारे तगड़े तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। सारे के सारे फीचर्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जस्ट गाइस आप लोग इस वाला वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि गाइस आप सारे फीचर्स को आसानी से इस्तेमाल कर पाओ। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। एंड गाइस अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इस वाला एप्लीकेशन का नाम है ज़िलिप वॉलेट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। इस वाला एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या फिर इस वाला वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो सिंपल सा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पर गाइस लॉग इन टू गूगल अकाउंट दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर स्किप करके भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस स्किप करोगे तो इसका कुछ स्पेशल फीचर्स है जो आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस एप्लीकेशन को गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों जब आप अपने गूगल अकाउंट से इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लोगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पर नीचे जो स्टार्ट क्विट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पर नीचे जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर तीसरा वाला जो रिकॉर्ड वाला सेटिंग वाला आइकन है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस इस वाला स्क्रीन रिकॉर्डर का जो सेटिंग है वो खुल के आपके सामने आएगा। तो सबसे पहला वाला जो फीचर्स है वो है गाइस एक है रिप्ले मोड एंड सेकंड है स्टैंडर्ड मोड। तो इससे क्या होगा कि अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे अपने स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करोगे तब वो तब तक रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा जब तक आप उसको ऑफ नहीं कर देते। लेकिन गाइस यहाँ पर रिप्ले वाला जो मोड है यहाँ पर आप लास्ट 60 सेकंड या फिर 50 सेकंड तक अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा गाइस आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि मान लो गाइस फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI वगैरह, तो उसका जो बेस्ट मूवमेंट है अगर आप मान लो कि आप गेम प्ले करते समय 1v4 क्लच कर लेते हो एंड वो वाला क्लिप आपको चाहिए अपने YouTube वीडियो के लिए या फिर YouTube शॉर्ट्स के लिए, तब आप वो वाला क्लिप को यूज कर पाओगे। एंड गाइस उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है गाइस लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड। तो हम लोग ज्यादातर गेम लैंडस्केप पे ही खेलते हैं, तो यहाँ पर लैंडस्केप आपको रहने देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर वीडियो सेटिंग, तो यहाँ पर वीडियो सेटिंग पर आपको चले जाना है। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अप टू 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो है गाइस क्वालिटी आपको लो पर रखना है या फिर कस्टम पर रखना है। एंड गाइस उसके बाद गाइस रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको 4K करना है। एंड गाइस उसके बाद थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है गाइस FPS, तो FPS यहाँ पर आपको 60fps पर रख देना है। उसके बाद गाइस बिट रेट, तो यहाँ पर आप 8 Mbps भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी के लिए 10 Mbps पर रख देता हूँ। एंड यहाँ से चले जाना है आपको बैक आने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो सेटिंग, तो यहाँ पर ऑडियो सेटिंग के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के आएगा। एंड गाइस आप अगर चाहो सिर्फ माइक्रोफोन का ही ऑडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए तो यहाँ पर माइक्रोफोन के ऊपर आपको प्रेस कर देना है। एंड गाइस आप अगर सिर्फ इन गेम ऑडियो को रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर इन गेम ऑडियो वाला ऑप्शन भी मिलता है। एंड गाइस यहाँ पर आपको मैंने पहले ही कहा था कि इस वाला एप्लीकेशन का कुछ स्पेशल फीचर्स है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इन गेम ऑडियो एंड माइक्रोफोन ऑडियो दोनों को आप एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर इन गेम ऑडियो को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, एंड माइक ऑडियो को भी आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो गाइस तो इस तरह से इस वाला एप्लीकेशन के अंदर आप ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो। एंड सिंपल से यहाँ से चले जाना है आपको बैक। एंड गाइस आप अगर रिकॉर्डिंग आइकॉन को अपने स्क्रीन के ऊपर रखना चाहते हो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग आइकॉन को ऑन कर लेना है। एंड गाइस आप अगर बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि कोई भी रिकॉर्डिंग आइकॉन आपके स्क्रीन पर शो हो तो इसको ऑफ कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर कम्प्लीटली आपका सेटिंग सेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर नीचे जो लॉन्च रिकॉर्डर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो दोस्तों इस वाला एप्लीकेशन का और एक हिडन फीचर्स है जो कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। एंड गाइस उस वाला फीचर्स को कैसे यूज करना है अगर आपको वो वाला ट्रिक के बारे में जानना है तब गाइस आप इस वाला वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।